ये नहर है, कुदै लब्भे दी नहर तुसें गी, दिक्खे रे तुप्पे बाद कुदै लब्भी जा। ढाई तीन किलोमीटर है नहर, वो है नहरों की डिसिल्टिंग का, जिन्हें नहरें नहीं साफ सफाइयाँ होनी हैं, क्योंकि जिम्मेदारे पास ये दो महीने होंगे, अगर ये दो महीने चंगे नहरें साफ सफाइयाँ हो जाए तो पूरा साल जो जिमीदारे की आराम करने में लगी जाते हैं। अगर ये दो महीने काम नहीं हो, कोई नवंबर महीने जो नहरा बंद कर दें, उसके बाद डिसिल्टिंग का काम शुरू होना होता। तो लेकिन कल तुमने देखा होना जब कम साहब का बयान एक आया पेपर से पढ़िया कि अस पहली तरीक की नहर खोल रहे हैं, पहली अप्रैल की, अगर 13 अप्रैल की खुल दी, हाँ इस बार 1 अप्रैल की नहर खोल दें, क्योंकि बारिश नहीं हुई, इस तरह जरूरत भी है बारिश की, चारे भी जरूरत है, बाकी जी सब्जियां रड़ा दिन जी गर्मी की सब्जियां जी भी हैं वो वास्ते भी पानी की जरूरत है। लेकिन हाली तकर नहरें की वो हालत है, मैं अपनी माड़ी नहर तो दिखिया, परसों मेरा नवे शहर का टूर हा पूरा, लास्ट मैं अब्दुलियन तो लिखी हाँ, और कल मेरा बिछड़ा का टूर हा पूरा चिमने चक बिछड़ा, खाली बिछड़ा नहीं आनंदपुर तकर, वो थले पित्तल पोस्ट पौंदी है, पित्तल पोस्ट और अगर साड़ी 4 किलोमीटर नहर जी डी 17 रणवीर कनाल मेन रणवीर कनाल डी 17 जी है वो उत्थे अगे जी आती है, वो पूरा 4 किलोमीटर वाला फेंसिंग के पार है, और उत्थे बड़ा बड़ा एक साइफन है, और साइफन की वह हालत है, और एस्टीमेट बनी है गेदा, हाले तक कोई कुछ ही पता नहीं है कि एस्टीमेट बनी है गेदा पैसे रिलीज करने या नहीं करने, लेकिन पहली तरीके आखिरी नहर खोली उड़नी, समझ नहीं आती कि मजाक होवा दा जिमीदारे कन्नै किसाने कन्नै, ते मोदी साहब साढ़े उत्थे जिमीदारे पास इन्ना कुछ करा दे, खाते तक पैसे भेजा दे किसाने की, लेकिन सारी एडमिनिस्ट्रेशन केह कर दी है, ये कोई मेरी समझ कोला परे है, 1.5 साल कोला उपर हुई आ, मेरे खासकर तवी का एरिया पौंदा उत्थे AW नहीं है, जोरे अंदर बैराज भी आना जिहड़ा तुंदा झील जिहड़ा बैराज बनना है इस तवी का उपर, और अभी बड़ा तो सुनते हो ज़्यादा, तो लेकिन 1.5 साल की खाली पैदी है, मेरे ख्याल कोई 10-11 महीने कोला उपर हुई है, कंडी वन का AW नहीं है, ये लोगों आखिर घर घर पानी पजाना, दिल्ली वाले के पैसे भेजा तो घर घर पानी पजाने वास्ते, लेकिन सारी एडमिनिस्ट्रेशन जी है 10 महीने की पिछले की पूरी AW कंडी वन का AW की नहीं है, एडिशन चार्ज कुछ दिता था कंडी सैकंड वाले की, दसो कि घर घर पानी पजा देने, ये लोगों के मजाक नहीं तो और है, और ये तो मेरे ख्याल लोग नजरें लोगों की दिल्ली वाले लोगों की नजरें मिट्टी पा दें, कोई कम करी राज नहीं इतने, और इतों तक करके मैं LG साहब की अप्रोच किया, LG साहब की अप्रोच करने का बावजूद 1.5 महीने की कुछ फाइल कुछ अटकी पे दी है, कुरकुल अटकी पे दी है, कोई पता नहीं कुछ है, लेकिन कोई करिए राजी कुछ नहीं है, कुत्थों पानी पजाने कुत्थों जिमीदारे देंगे ने पानी, पर पहली तरीकी नहर खोल दें, नहरें की हालत दिखनी है, तुसें मैं कल शार्ट करी आते उतों का, यह रठुआ कूल है साढ़े दफ्तर बैठे दिन, मैं बड़े बारी अप्रोच किया कमिश्नर साहब भी कि तुम भी आपको टूर करो, लेकिन उन्हें तो किया, लेकिन डिप कप सामने किया टूर, लेकिन मैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करना, लेकिन यह करना कि मैं उन्हें जल्द टूर करा दिया, परसों उन्हें मैं 7:15 क्रॉस किया है कुली के कोल ममका ग्रां पाँदा है, उन्हें क्रॉस किया हले थोड़े गए ना, दसो राती जी कि नहर दिखी होंगे उन्होंने मेन कनाल के उपर, तुम फिरी उड़ो अखनूर को लिए जम्मू धोड़ी, वो तो रोड का कंडा कंडा है, अगू तो मेन कनाल के उपर तो चली जाओ उधर निकली है पंडोरी से निकली है, वो तो यह मेन रोना मेन कनाल माइनर का क्या हाल हो, लेकिन राती 8 बजे दसो 8 बजे 8:30 बजे कि नहर दिखा दे हेडे पम साहब, बड़ा अफसोस आंदा कि 8:30 बजे नहर लभा दी, और सड़क का कंडा कंडा गए गड्डी घुमाई और गड्डी घुमाई वापस आई चुप रही है, लेकिन इन्ना भी बड़ा धन्यवाद करने आता कि चलो कम से कम इन्ना टाइम तो कड़े उन्हें, लेकिन इतने कोई जिमीदारी ने सुनिया गया राज नहीं, कोई काम करिए गया राज नहीं है, हूँ जो मैं साइफन की गल की पित्तल पोस्ट पौंदी है BSF की, असं कल पलौड़िया परमिशन ली है असें फेंसिंग कार पार करिए जाना पे, लेकिन कभी वो भी जमाना हाँ मैं भी एक मंत्रालय संभाले जल्द साड़ी गौरमेंट ही लास्ट भूमे पौंदा भूमे ग्राणा उत्थे तक पानी पुजिया हा अब्दुलिया बार्डर तक पानी पुजिया हा, और जोड़ा मैं चाणा की गल सुना तो जितने 2 पंचायत पौंदी लास्ट बार्डर उपर त्रेवा तो चंगीआ चंगीआ के पौधा चाणा ग्रह जोड़े तो आँदी है पित्तल पोस्ट वो भी असर उस सफाई कराई ही, इसलिए इसलिए तक तू ना थे नहीं है, और उइ अगे जी है मेन जी कनाल है D17 जी है अगे जब्बोवाल तोड़ी जाती है, मैं कल देखा उ रठाने का किन्ना गए D14 ज D15 एक कनाल है मेन चा निकले दी आओ माजरा कूल मनी माजरा वगैरह उत्तर देखा उन्हें पता कि डिप्टी साहब ने आना है, और 50 फुट उपरले पास उस साइड का 50 फुट दुए साइड का साफ सुथरा करी ओड़ी जी मेन रोड तो उपर उपर, लेकिन अगर बाकी सारा गंद पेद कि नहीं, हमें ना सालों की जरूरत है नहरों की सफाई करने के लिए, इसके लिए खाली 2 महीने चाहिए होते हैं।
नवंबर में जाके नहरें बंद हो जाती हैं, मेन कनाल जो नवंबर में बंद कर देते हैं, यानी दरिया में पानी सूख जाता है तो खुद ही खुद वो बंद हो जाती है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है सिर्फ दो महीने की, तभी मैंने कहा ना अगर ये दो महीने अच्छी तरह से निकल जाए तो जिम्मेदार किसान भाई जरा पूरे साल। आपने कोविड की बात की यार, कोविड में जिम्मेदार भी थे, किसान भी थे, हर बार बाजार को आपके मंडी में सब्जी पहुँचाते थे, आप लोग बड़े आराम से बैठ के घरों में खाते थे, किसानों के लिए कोविड कहाँ था। तो इसलिए इन किसानों का बेचारों का कहते हैं इनको अंधाता हो आप, अंधाता कहते हैं लोग कि अंधाता है किसान, लेकिन क्या किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या बुरा हाल है इन किसानों का। कभी अब जाके बाहर देखो, जाके मैं अभी आपको बात बताता हूँ कुछ। एक ना जो D17 से निकली है, जो चंगिया और उसको त्रेवा पंचायत को फीड करती है, उसका क्या बुरा हाल है कि जल्दी करो, जल्दी सफाई करिए, पानी भी चाहिए जिम्मेदारी की, किसान की पानी भी चाहिए, सब्जी लानी, सब कुछ लाना, चारा लगना है, तो एरे वास्ते जल्दी को जल्दी साफ सफाइयाँ करिए, दिन रात काम करिए, और अफसर जो दफ्तर में बैठे दिन वो दफ्तर अफसर जो बाहर निकल, डिप्टी कमिश्नर साहब टूर करन, ए नहीं कि खाली मेन का टूर करन, माइनर का भी टूर करन, डिप्टी कम सामने एक टूर लाई उड़िया, एक बारी और उन्हें कर मेरी प्रार्थना है कि एक बारी और निकल थोड़ा दिखन दिए, तो कमिश्नर साहब वो भी बाहर निकल, एडमिनिस्ट्रेशन दे कोई अफसर बैठे दिन, एडिशनल DC वगैरह किन्ने बैठे दिन, तहसीलदार लेवल पर बैठे दिन, सब लोग बैठे दिन, SCM बैठे दिन, इन्हें लोगों की बाहर कढ़न, ये अपनी नहरा दिखन दी है और जल्दी जल्दी कोला साफ सफाई करन। अगर यही हाल रहा नहरें का कि अज इन्ना जिन्ना एक बूटा होंगे उसी नहीं कटते जी, चलो इसी नहीं कटना, वो बर्दा बर्दा चार साल का इन्ना बूटा रहा, उस कारण नहर सारी बंद होती जा, और एक पास आखिर पानी बचाना है, पानी इं बचना है, सर को पानी की कोई कमी नहीं है, सर को दरिया चनाब साढ़े कोल है, कोई पानी की कमी नहीं है, जानी बुझी अस पानी की कमी आने पैदा करा दी इतने, क्यों जरा जिमीदार है फिर किसान है वो बोर करा दा, बोर करिए जमीन चा पानी कटा दा, किन्नी देर जमीन चा पानी कटिए, किन्नी देर चा सिंचाई करके, किन्नी देर खेती करके, वो पानी आखिर एक ना एक दिन लेवल जरा डाउन होता ज़्यादा, कदें तो 10-15 फुट पानी फुट हा, अज 20 फुट पर चली जाए, कहीं जगह 50 फुट पर चली जाए, 60 फुट पर चली जाए, इस करिए पानी अगर बचाना है तो नहरें ही बचाओ, नहरा बचगन अपने आप जरा सारे को नेचुरल वाटर है, सारे को दरिया चनाब का पानी है वो नहरें ही लगन। अगर पहले दरिया चनाब का पानी जरा अब्दुलिया तक जाता सारे नवशहर पूरा फीड होता तो क्या अज क्यों नहीं, इो नहर पहले ही है, इो नहर अज ने, इन रणवीर कनाल पहले ही, इो रणवीर कनाल हूं है, असं नहीं आखते कि और नवी कनाल बनाओ, रणवीर कनाल की साफ सुथरा करिए, और बाकी जिन्नी नहर अगर नहर के बच्चे इनक्रोचमेंट हुई है उन्हें इनक्रोचमेंट की दूर करो, और जिम्मेदारी किसान भाइयों की पानी दे।